हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? तो फिर मैं अलका दीक्षित आज लेकर आई हूँ आपके साथ नंबर सिस्टम की सीरीज नंबर 4। तो जल्दी से शुरू करते हैं कि क्या होता है। आज हम करेंगे कि ऑक्टल नंबर और हेक्सा डेसिमल नंबर। ठीक है, ऑक्टल नंबर और हेक्सा डेसिमल नंबर टू बाइनरी और वाइस वर्सा। ठीक है, हमें चेंज करना है ऑक्टल नंबर को बाइनरी में और बाइनरी को ऑक्टल में। तो किस तरह से वो चेंज होगा, इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो आपको देखने वाली है वो है यहाँ पर 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 अगर हम करते हैं तो हमारे पास 8 वैल्यू आती है। सबको पता है फॉर बाइनरी टू ऑक्टल। अब किस तरह से करेंगे, अभी छोटी सी ट्रिक है और आप देखते देखते आपको लगेगा कि वेरी इजी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेक ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, थ्री थ्री डिजिट्स को हमें अलग करना है। अब सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम इस 3 डिजिट्स को करते कैसे हैं। ठीक है, थ्री डिजिट्स को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या होता है बेटा, देखिए जब हम बाइनरी की बात करें, क्या करना है, हमने बाइनरी की बात करनी है। बाइनरी में हम किसको डील करते हैं, हम वैल्यू को डील करते हैं 0 और 1। ठीक है, तो अगर मेरे पास 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, तो हमारे पास 2 की पावर 2 हो गया। मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, 4। कैसे बनाएंगे जी, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, यही बनेगा 0 0 0 1 1 0 1 1। यही दिख रहे हैं मुझे जो हम 4 कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं बाइनरी के साथ। ठीक है जी, फिर हम बात करते हैं ऑक्टल की। ठीक है, ऑक्टल में हमने क्या कहा, 8। बाइनरी में क्या था, ये था 2। ऑक्टल में क्या है, 8। ऑक्टल में 8 का मतलब ये हुआ कि अगर हम 2 की पावर 3 करते हैं तो हमें क्या रिटर्न आ जाएगी, हमें 8 आ जाएगा, 8 मिलेगा। ठीक है, 8 को ग्रैब करने के लिए, यानी कि अगर हम उसको बाइनरी में डिजिट करेंगे तो हमारे पास 3 बाइनरी डिजिट्स होंगे जिससे हम ऑक्टल वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे जी, ऑक्टल में हमें पता है कि हमने पढ़ा था कि 0 से 7 तक के नंबर्स आते हैं। 0 से 7 तक नंबर वाली जो डिजिट्स हैं वो इसमें इंक्लूड होती है। तो हम लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब मुझे 3 डिजिट्स के कॉम्बिनेशंस बनानी है। ठीक है, बाइनरी डिजिट्स लेनी है। क्या लेंगे हम जी, 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 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
गया, तो इट मीन्स हमें यहाँ रुक जाना है, इससे आगे हमें नहीं जाना है। इसी तरह हम क्या करते हैं, इस तरह हम करते हैं हेक्सा की बात, हेक्सा डेसिमल। क्या करा हमने, हेक्सा डेसिमल, हेक्सा डेसिमल मीन्स, हेक्सा डेसिमल मीन्स 16, 16 मीन्स 2 की पावर 4, यानी कि हम जो यहाँ पर डिजिट्स लेंगे वो कितनी होंगी, 4 बाइनरी बिट वैल्यूज होंगी। क्या होंगी, 4 बाइनरी या 4 बिट वैल्यूज को हम लेंगे। यहाँ हमने 3 बिट वैल्यूज ली, यहाँ हमने 2 बिट वैल्यूज ली, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होंगी, 4 बिट वैल्यूज होंगी। 16 की बात करें हम, लिख लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर क्या आया, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। 0 से लेकर 15 तक कितने हो गए, 16 हो गई ना। अब क्या करा हमने, 0 को ले लिया, ठीक है, 0 तो ठीक है, लेकिन यहाँ 10 को हम क्या ले लेते हैं, ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी, दिस इज योर डी, दिस इज योर ई एंड दिस इज योर एफ। ओके, अब हम यहाँ पर बिट वैल्यूज कितनी लेंगे, 4 लेंगे।
तो जी हमने सबसे पहले 4-0 से शुरुआत करी। यहाँ हमने क्या करा, 3-0 से शुरुआत करी, यहाँ हमने 4-0 से शुरुआत करी। क्या बना नेक्स्ट, क्या आएगा? 0-0-0-1। नेक्स्ट क्या आएगा बोलिए? 0-0-1-0। साथ साथ करते जाइए, आपको हो जाएगा इजी। 0-0-1-1। नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा? 0-1-0-0। ऐसे ही होगा, ठीक है? देखिए, 4 जीरोस। यहां जो फर्स्ट है उसमें क्या करो आप, देखो इसका एक और तरीका भी बहुत अच्छा सा होता है, इसको ताकि आप और भी अच्छे से याद रख सके, मैं इसको बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करवा देती हूँ, ठीक है? तो फर्स्ट जो है उसमें आप 8 जीरोस लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो लगा दिए। नेक्स्ट में क्या करना है, आपने 8 1 लगाने, 1 1 1 1 1 1 1 1। ओके, नेक्स्ट में आपने क्या करा, 4 जीरोस 4 वंस, 1 1 1, 4 1 हो गए, फिर लगा दो 4 जीरो, ठीक है? फिर क्या कर दो, 1 1 1 1, 4 1 आ गए। फिर क्या करा यहाँ पे देखो, 2 0 2 1। आप लोग देख रहे हैं कंजेक्टिवली किस तरह से जो आपका पैटर्न है वो बन रहा है, सेम इसी पैटर्न पे आपने करना है, 2 0 2 1, 2 0 2 1। फिर क्या करा आपने, 2 0 देन 2 1, फिर आपने क्या करा, 2 0 और 2 1, ठीक है? नेक्स्ट में क्या हो रहा है, पैटर्न को रिकॉग्नाइज कीजिए, देखिए 0 1 0 1, ठीक है? 0 आया, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो कितना बड़ा, देखो 16 नंबर्स को हमने कितने इजी मेथड से रिकॉग्नाइज कर लिया, याद भी हो गया और काम भी हो गया, ठीक है? तो हमने यहाँ देखिए, ये देखो यहाँ पर क्या था, 4 0 4 1, फिर क्या था, 2 0 2 1, 2 0 2 1, यहाँ पर क्या था, 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है? इसी मेथड से हमने क्या करा, 8 0s 8 1s, फिर 4 0s 4 1, 4 0 4 1। नेक्स्ट क्या हुआ, 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर क्या हुआ, 0 1 0 1 0 1। तो इस तरह से हमने 15 वैल्यूज को सॉल्व कर लिया। यहाँ देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1, बस इस टेबल को ध्यान रखना है, अगर आपको ये टेबल याद हो गया तो ये चीज हमारी बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 101 111 100, ठीक है? क्या नंबर है जी, बाइनरी है, किसमें कन्वर्ट करना है बोल गया, आपको दे दिया एग्जामिनर ने, ऑक्टल में कन्वर्ट कीजिए। आपने क्या करा, ये जो डिजिट्स हैं इसको क्या करेंगे आप, फ्रॉम दिस साइड यानी कि फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट की तरफ 3 3 के पेयर्स बनाने हैं। क्या करना है, 3 3 के मुझे पेयर्स बनाने हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू, सॉरी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर आपकी तरफ से देखें तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, और मेरी तरफ से यहाँ से देखेंगे तो ये इस तरह से होगा, ठीक है? वो स्क्रीन का व्यू के ऊपर हो जाता है कि आपका मेनली, अगर मैं लिख रही हूँ तो ये देखो, मैं जब लिखूंगी तो सीधे हाथ से इस तरफ लिखूंगी, तो ये मेरा क्या है, दिस इज योर राइट, और ये वाला पोर्शन क्या है, ये मेरा लेफ्ट है, ठीक है? लेकिन अब इसको स्क्रीन की तरफ से देखेंगे तो यही पार्ट आपका उल्टा हो जाएगा, ठीक है? तो अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। 101, फिर क्या है, 1 1 1, और क्या है, 100, 101 110 1। अब हम इसको ऊपर देख के आए, देखो ये वाला जो टेबल था ना, इसको हमने सॉल्व करा है, ठीक है? एक था मेरे पास 101, इसकी वैल्यू क्या है, 5। दूसरा क्या था, 100, ठीक है? और क्या था, 111। दिस इज 4, दिस इज 7, ठीक है? अब हमने इसको सॉल्व करना है। 111 क्या हुआ, 11 क्या हुआ, 11 क्या हुआ, 7, ठीक है? 101 क्या हुआ आपके पास बोलिए, दिस इज योर 5। आई होप कि आप सब इसको एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ कर भी रहे हैं, तो उसमें पढ़ाने में भी बहुत मजा आता है।
तो आपके पास ये जो ऑक्टल नंबर था वो क्या बन गया, पहले 101 की वैल्यू लिखिए, दिस इज 5, फिर लिखा 11 की 1 की वैल्यू, दिस इज 7, और दिस इज 4, ठीक है। तो आपके पास हो गया 5, 7, 4, दिस इज द ऑक्टल वैल्यू ऑफ दिस बाइनरी नंबर, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, इसी में अगर हम देखिए, इसी में मैं यहीं पर कर रही हूँ। नेक्स्ट है 0.001110, ओके। क्या करना है, और अब ये बाइनरी है, मुझे क्या करना है, इसका ऑक्टल में कन्वर्जन करनी है, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे, देखिए, जब अभी हमने क्या करा था, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाकर हमने इसकी पेयरिंग करी थी, अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये हो गया और ये हो गया। इस तरह से हमने क्या करा, पेयरिंग जो करी है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करी है, ठीक है। यहाँ हम पेयरिंग कहाँ से कर रहे थे, राइट टू लेफ्ट कर रहे थे, क्या कर रहे हैं हम, पेयरिंग, पेयर्स बना रहे हैं, ठीक है, पेयर्स कर रहे हैं। तो अब हमने एक पेयर किसके बनाने, थ्री थ्री के पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। पेयर तो वैसे टू का होता है, लेकिन हमें थ्री डिजिट्स को कंबाइन करके एक स्लॉट में रखना है, ठीक है। तो हमने 001 को चेक किया, ठीक है, डेसिमल को वैसे ही रहने दो, इसको हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है, डेसिमल। और 001 क्या हुआ आपके पास, 1, और 110 क्या हुआ, 6, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 0.16 जो था वो इसका ऑक्टल नंबर आ गया, क्या आ गया, इसका ऑक्टल नंबर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यही कर लें, ठीक है। दिस इज योर 1110010, ठीक है। ये क्या है, बाइनरी, आपने क्या करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब आप करेंगे कैसे, कैसे करेंगे जी, आप करेंगे थ्री थ्री के पेयर्स, ठीक है, थ्री थ्री के पेयर्स बना बना दिए। अब जो ये सिंगल डिजिट रह गई है, इसकी बिट्स कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके एडजॉइनिंग में हम 2 जीरोस लगा देंगे, ठीक है। इसकी बिट्स कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें 3 बिट्स चाहिए। अगर किसी के आगे 0 लगा दो तो उसकी वैल्यू तो कुछ नहीं होनी, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो हमने क्या करा, यहाँ पर 0s लगा के हमने सिर्फ बिट वैल्यूज को कंप्लीट किया है, ठीक है। तो 001 की वैल्यू क्या हो गई, 1, 110 की वैल्यू क्या हो गई, बोलिए, दिस इज 6, 001 की वैल्यू क्या हो गई, 1, 010, दिस इज 2, ठीक है। तो आप लोगों के पास जो आंसर आया वो बना 1612, दिस इज द ऑक्टल नंबर, ठीक है। इसी के साथ अगर यहाँ पर पॉइंट पॉइंट यहां हम लेते हैं 0.1011, 0.1011 बाइनरी। तो हमने क्या करना है, पेयरिंग वैसे ही करनी है, क्योंकि ऑक्टल की बात हो रही है तो 3 डिजिट के पेयर बनेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 3 था ना, तो 3 3 के पेयर्स बनाने हैं। अब यहाँ बिट कंप्लीट करना है तो हम यहाँ आगे 0 लगा देंगे, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है कि जो भी बिट अकेली रह जाएगी उसको कंप्लीट करने के लिए हमने एडजॉइनिंग में क्या करनी है, 1 वैल्यूज लगानी है, ठीक है। जब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, सो 101 विल बी क्या बनेगा आपके पास, बोलिए, 101 की वैल्यू कितनी आई, ठीक है, कर रहे हैं आप लोग सब, ठीक है। सो दिस विल बी योर 5 एंड दिस विल बी योर 4, क्या आएगा, ये आएगा आपके पास 4। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 0.54, ठीक है। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन एक आप सब लोगों के साथ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका 4 टाइम्स 1 1 2 3 4, 4 टाइम्स 1, फिर आ गया आपके पास 1 2 3, 4 टाइम्स 0 देन 101, ठीक है। ये बाइनरी नंबर है,
इसी के साथ अभी हम बाइनरी ना करते हुए इसी में इसी का एडजॉइनिंग मैं डेसिमल पार्ट भी ले रही हूँ। इसको नहीं लेना हमने अभी, ठीक है? तो हमने इसी के एडजॉइनिंग में मैं डेसिमल पार्ट भी ले रही हूँ, डेट इज योर 0.11011, ठीक है? ये आपका बाइनरी नंबर है। अब आपको कन्वर्ट क्या करना है, इसको करना है जी आपने डेसिमल में कन्वर्ट, ठीक है? सॉरी, डेसिमल में नहीं, हम इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल में करेंगे तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करके पावर एंड ऑल, ठीक है? तो अभी हमें क्या करना है, पॉइंट यहाँ है हमारा, पेयर कहाँ से बनेंगे? देखिए, इसके पेयर्स बनेंगे यहाँ, ये 2 1 रह गए, इसकी बिट्स कंप्लीट करने के लिए हमने क्या करा, ये बन गया 110, ये बना 110, ठीक है? दोनों 3 3 पेयर्स हो गए, ठीक है? पॉइंट पे आ जाइए। फिर आगे आपके पास इसके 3 पेयर्स करें तो ये 101, ये हो गया। सेकंड पेयर क्या हुआ, 000। नेक्स्ट क्या हुआ, ये हो गया आपके पास 110। नेक्स्ट क्या हुआ, दिस इज योर 011, ऐसे हुआ, ठीक है? तो हमने इसको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या वैल्यूज आई, देखिए 011 दिस इज योर 3, 110 कितना हुआ, 6। साइमल्टेनियसली मुझे तो आता है, लेकिन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, चार्ट बना के अपने पास रखना पड़ेगा और धीरे धीरे आप लोगों को ये चीजें क्लियर भी हो जाएगी। 101 क्या हो जाएगा, 5। 0.110 कितना होता है, 0.110 होता है 6, और ये भी 6। तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा आपके पास 3605.66, ठीक है? तो ये आ गया आपके पास ऑक्टल नंबर, ठीक है? ये आपके पास ये बाइनरी नंबर था, बाइनरी का हमने ऑक्टल बना दिया, ओके, ठीक है? अब अगर मुझे कोई नंबर ऑक्टल नंबर दे दिया जाए और मुझे कहा जाए कि उसका बाइनरी बनाओ, ठीक है? ऑक्टल नंबर ले लेते हैं, चलिए यही लेते हैं हम, इसमें करते हैं ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है? ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी में आप क्या करेंगे, जैसे आप लोगों को दे दिया 225.34, दे दिया 3 4, ठीक है? तो आप इसको सॉल्व कीजिए, कैसे करेंगे, आप इनको सेपरेट कीजिए, 225.34, ठीक है? ऑक्टल है ना, ध्यान रखिए ऑक्टल है। तो अब इस 2 को मुझे 3 डिजिट्स में कंपेयर तोड़ना पड़ेगा। तो 2 का हम एडजेसेंट हमने पीछे देखा था कि क्या था, दिस इज योर सॉरी 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 दिस इज योर 010, ठीक है? ये क्या हो जाएगा 010। 5 का क्या हो जाएगा, 5 क्या होगा बोलिए, 1 ऊपर करके आए, देखो ऊपर 5, 5 क्या है, 101। पॉइंट लगा दीजिए, 3 की वैल्यू क्या होगी, 011। 4 की वैल्यू क्या होगी, 100, ठीक है? तो आपके पास इसका बाइनरी क्या बनेगा, 0 को अगर हम लेफ्ट आउट भी कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता, सो 100, 010, 101, यही वैल्यूज रखी है हमने, ठीक है? यही वैल्यूज हमने उठा कर रखी है, पॉइंट क्या बना, 011, ठीक है, एंड 100, ठीक है जी, ओके, आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब ये जो जीरोस हैं इसको भी लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है? वैसे तो यही बन गया आपका क्या बना, बाइनरी, लेकिन अगर हमें इसे और सॉल्व करना है, सो 100101.0111, ये भी आपका क्या हो जाएगा, दिस इज योर बाइनरी नंबर, ओके जी, क्लियर है? तो इसी तरह से अब हमारे पास हेक्साडेसिमल, अगर आपको ऑक्टल बहुत अच्छे से समझ आ गया है तो हेक्साडेसिमल समझते हुए तो टाइम ही नहीं लगेगा। हमें क्या करना है बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है? बाइनरी टू हेक्सा एंड हेक्सा टू बाइनरी, ओके। चार्ट को याद रखना, जो हमने क्या करा था, 2 की पावर 4, तो ये क्या बना था, 16, तो 16 वैल्यू मिल रही है, लेकिन बिट कॉम्बिनेशन मुझे कितने चाहिए, बिट कॉम्बिनेशन चाहिए आपको, बिट कॉम्बिनेशन, बिट कॉम्बिनेशन चाहिए आपको 4 डिजिट्स के, ठीक है?
अभी हम पढ़ के आए हैं 0000000001001, ठीक है। तो इसी तरह से अब हमने क्या करना है, वही टेबल आपने सामने रखना है। अब हमारे पास सिंपल सा, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, दिस इज योर 110101.1101, ठीक है। ये बाइनरी है, इसको किसमें करना है जी, अपने हेक्सा में कन्वर्ट करना है। अब जब हेक्सा की बात हो रही है तो हम इसमें कितने बिट्स थे, 4। अब हम यहाँ 3 के पेयर्स नहीं बनाएंगे, 4 डिजिट्स के पेयर बनाएंगे। अब यहाँ पर 2 रह गया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको और नीचे ले आते हैं। सो 0011, यहाँ हमने 2 वैल्यूज अपेंड कर दी, अपनी तरफ से जोड़ दी इसको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्या हो गया, 0101, ठीक है। तो ये नेक्स्ट डिजिट्स हो गई, पॉइंट यहाँ तो करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आप मुझे इसकी वैल्यूज बताएंगे कि क्या है, ठीक है। दिस इज योर 001D, ठीक है। 1, 2, 4, 4, 1, 5, 5 हो गया, ठीक है। इसको मैं और भी एक अच्छा तरीका बताऊंगी नेक्स्ट आगे के लेक्चर्स में, ठीक है। सो दिस इज योर डी, क्योंकि 1, 4, 8, 8, 4, 12 और 1, 13, ठीक है। सो डी की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, सॉरी ये तो 3 था ना, मैंने डी क्यों लिखा, कई बार गलती हो जाती है, ठीक है। ठीक है, 3, 5 पॉइंट डी, ठीक है। तो ये आपके पास हेक्साडेसिमल बन गया। इसी तरह अगर आपके पास आ जाता है 0.10110, ये क्या है, बाइनरी है, करना किस में है, हेक्सा में कन्वर्ट करना है। 4 4 डिजिट्स की बना लीजिए पेयर्स, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो अगर 1 होता तो आप अपेंड कर सकते हैं 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, चाहे तो आप इसको 0 पॉइंट, और ये क्या है, ग्यारह ये हो गया 11, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 11, ठीक है। 11 नहीं लिखेंगे क्योंकि हेक्सा में कन्वर्ट करना है, नहीं तो ये 1 1 कंसीडर हो जाएगा, तो 0.B, और ये था 0 तो 0 ही रहेगा, तो 0.B0 base 16, इस तरह से आपके पास सॉल्व हो गया। ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं हेक्साडेसिमल 2, ठीक है। हेक्साडेसिमल 2 बाइनरी क्या करना है जी, हेक्साडेसिमल 2 बाइनरी कन्वर्जन करनी है, ठीक है। हेक्साडेसिमल 2 बाइनरी कैसे करनी है जी, हमारे को दे दिया गया A4B, A4B, A की वैल्यू क्या होती है 10, 4 4 ये आ गया, B की वैल्यू क्या होती है 11, ऐसे ही था ना, ठीक है। अगर मुझे 10 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो मेरे पास 4 डिजिट के क्या कॉम्बिनेशंस थे, ये हमने पढ़ी है, ये थे 1010, 4 का क्या हो गए, 4 के क्या हुए 0100, और बी के क्या हुए, बी के हुए 1011, ठीक है। ये बन गया आपके पास इसका बाइनरी नंबर, ये क्या था, ये था हेक्सा, ठीक है। इसी तरह आपके पास एक और क्वेश्चन है, दैट इज योर 1BCA, ठीक है। ये क्या है, हेक्सा है, आपको क्या कन्वर्ट करना है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 1 को कन्वर्ट कीजिए 0001, बी को कन्वर्ट कीजिए, बी की वैल्यू देखो अभी हमने पढ़ी है, दिस इज योर 1011, सी की वैल्यू क्या होगी, देखो 1011 है तो क्या हो जाएगा 1100, ठीक है। और ई की वैल्यू, ई क्या है, ABCDE, F नहीं पहुंचे हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 1110, ठीक है। E क्या था मेरे पास, E था जी आपके पास 14, ठीक है। C क्या था, B है 12, C है 13, B है 12, नहीं B है 11, C है 12, D E
ठीक है, 13D है और ये हो गया 14। ठीक है, तो आपके पास 11, 12 एंड 14, सो इट विल बी हियर, आपके पास आ गया, ये आपके पास आंसर आ गया। चाहे आप इस जीरोस जो अपेंड करी हैं आप इसको लीव कर सकते हैं, आपके पास आएगा 1 1 0, 1 1 1 1 0 0, दिस इज 1 1 1 0। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया बाइनरी में। आई होप आप सब इंजॉय कर रहे होंगे, खूब अच्छा आपको लग रहा होगा, और जिस हिसाब से या जिस मेहनत के साथ मैं भी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, आई होप आप साथ साथ करेंगे तभी आपको इंजॉय होगा। अगर मैं लिख के दे देती आपको सबको पहले ही सॉल्व कर देती तो आपको पता नहीं लगता कि एग्जैक्टली टीचर उसको सॉल्व कैसे कर रहा है। मैं आपके सामने इसीलिए सॉल्व कर रही हूँ ताकि एग्जैक्टली आपको पता लगे कि हम किस तरह से इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। आई होप यू आर एंजॉइंग, गिव मी द फीडबैक एज वेल कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक्स डियर, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। थैंक यू, थैंक यू सो मच।